नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ बुशरा। और सबसे पहले बड़ी खबर की बात करेंगे, जहां भोपाल में सीएम शिवराज ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने पेंशन राशि बढ़ाकर 30,000 कर दी है। पिछले 25,000 थी जिनको 5,000 सम्मान निधि मिलती थी, उन्हें अब 8,000 सम्मान निधि मिलेगी। दिवंगत सेनानियों के परिवार को दी जाएगी। 8,000 से बढ़ाकर 10,000 किया जाएगा। जो शेष है मीसाबंदी, उन्हें ताम्रपत्र से 15 अगस्त को सम्मानित किया जाएगा। नई दिल्ली के मध्य प्रदेश भवन में उनके लिए स्वतंत्र संग्राम सेनानियों की तरह रुकने की व्यवस्था होगी। जिलों में विश्राम गृह में 2 दिन तक 50% शुल्क के साथ ही रुकने की व्यवस्था होगी। कोई बीमारी हुई तो संपूर्ण इलाज मध्य प्रदेश सरकार करवाएगी। लोकतंत्र सेनानियों के परिचय पत्र एक बार और चर्चा के फाइनल किया जाएगा, ताकि उन्हें कहीं आने जाने में परेशानी ना हो। हमने ताम्र पत्र प्रदान करने का फैसला किया था लोकतंत्र सेनानियों को। कुछ शेष रह गए, ऐसी बात मेरे पास आई, तो जो शेष रह गए कैलाश जी, तपन जी, पूरी सूची रहे तो इस 15 अगस्त को उन सबको फिर सम्मानित किया जाएगा। वैसे तो हर पर सम्मानित करते उनको भी काम के पत्र दिया जाएगा। फिर अभी हमने मध्यप्रदेश में दिल्ली में बड़ा अच्छा मध्यप्रदेश भवन बनाया। लोकतंत्र सेनानी भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के समान नई दिल्ली के मध्यप्रदेश भवन में उनको ठहरने की सुविधा दी जाएगी। अगर